हजारों के इनामी कुख्यात बदमाश को एसटीएफ उत्तर प्रदेश की टीम ने किया गिरफ्तार। बदमाश पर 29 मुकदमे हैं दर्ज। यूपी के रामपुर में पुलिस को नाकामी का सबूत देकर एसटीएफ उत्तर प्रदेश की टीम लगातार इनामी बदमाशों को पकड़कर रामपुर के थानों को सुपुर्द कर रही है। ये बात रामपुर पुलिस पर नाकामी के सवाल खड़े कर रही है। कुछ दिन पहले 42 मुकदमे वाले बदमाश ताहिर को पकड़कर थानागंज को सुपुर्द करा था। आज 29 मुकदमे वाले शातिर बदमाश आरिफ को पकड़कर शाहबाद कोतवाली को सुपुर्द करा है, जिससे रामपुर पुलिस शर्मिंदगी झेल रही है। रामपुर के बदमाशों को एसटीएफ उत्तर प्रदेश की टीम सर्च कर पकड़ रही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रामपुर कोतवाली शाहबाद क्षेत्र के नया लालवरा गाँव के रहने वाले कुख्यात बशातिर बदमाश आरिफ पुत्र साबिर, जिस पर रामपुर जिले में 29 अपराध दर्ज है, वो एक वर्ष से फरार चल रहा था, जिसकी एसटीएफ उत्तर प्रदेश की टीम ने मेनाटेरा मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। आरिफ पर करीब 29 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरिफ को अनामी घोषित रामपुर के एसपी शिवहरि मीना ने किया था। करीब एक वर्ष से ये फरार चल रहा है। एसटीएफ की टीम ने इस शातिर बदमाश को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर रामपुर के शाहबाद थाना लाकर कार्यवाही कर रही है। आज हमें बिजनेस सूत्रों से जानकारी मिली थी कि 25,000 का इनामी अपराधी आरिफ डिंगरपुर कस्बे में मौजूद है, जो बिहार जाने वाला है। इस सूचना पर हमने एसआर पेट्रोल पंप के दबिश देकर गिरफ्तार किया। क्या क्या उसमें मुकदमे दर्ज हैं? इस पर 28 मुकदमे हैं, जो 307 में बातचीत चल रहा था, उस पर पुरस्कार हो सकता। और कोई इसकी विशेष जानकारी? और तो अभी इससे पूछताछ की जा रही है, जो भी जानकारी आएगी।